पटना के बोरिंग रोड पर ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल अब नहीं दिखेगा। पटना नगर निगम ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में स्टॉल जब्त कर लिया। अपना स्टॉल उठता देख ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी स्टॉल को हटाया गया था, लेकिन दोबारा से उसी जगह पर स्टॉल लगाया गया, इस कारण से ये कार्रवाई हुई। वहीं प्रियंका गुप्ता का कहना है कि उनसे कई बड़े अधिकारियों ने सपोर्ट करने का वादा किया था, पर फिर भी नगर निगम के लोगों ने कार्रवाई की है। ऐसे में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से एक दुकान की मांग की है। स्टॉल हटाए जाने पर प्रियंका गुप्ता फूट फूट कर रोई। प्रियंका का कहना है कि मैंने अपनी मेहनत से स्टॉल लगाया था, आज इसको उठा कर ले गए, सरकार हमें एक जगह दे जहां हम अपना स्टॉल लगा सके। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है, वह पूर्णिया की रहने वाली हैं। प्रियंका ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसी दौरान MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे का वीडियो देखा, उससे प्रेरणा मिली और चाय का स्टार्टअप खोला। वह 11 अप्रैल से चाय का ठेला लगा रही हैं। उन्होंने ठेले पर लिखा है ग्रेजुएट चाय वाली, पीना ही पड़ेगा। पहले यह ठेला पटना विमेंस कॉलेज के आगे लगाती थी, बाद में इसे बोरिंग कैनाल रोड पहुंची। आपको बता दें कि प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हैं। कई नेता सहित साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा, भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह भी यहाँ चाय पीने आ चुकी हैं। बताते चलें कि 3 माह पहले भोजपुरी की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह बोरिंग कैनाल रोड पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका के हाथ की बनी चाय पी और कहा था, प्रियंका को देखकर बहुत गर्व होता है, देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, सभी लड़कियों को प्रियंका से मिलकर प्रेरणा लेनी चाहिए। अक्षरा ने प्रियंका के 1 कप चाय के बदले 2100 रुपये दिए। प्रियंका ने वो पैसे लेने से भी मना किया, लेकिन अभिनेत्री ने कहा कि ये आशीर्वाद है, रख लो। लेकिन मुझे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। Thank you.